अखरोट को लेकर के हम सब के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें अखरोट कब खाना चाहिए या फिर हमें अखरोट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एक दिन में अखरोट कितनी बार खाना चाहिए या फिर कब खाना चाहिए, और तो और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको अखरोट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या फिर अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको अखरोट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो आ ही जाते हैं, और जब हम इनका जवाब ढूंढने के लिए गूगल पर जाते हैं तो पहले से ही हम कन्फ्यूज़ हैं, और गूगल में कुछ ऐसे जवाब हमें मिल जाते हैं जो कि हमें और कन्फ्यूज कर देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉलनट यानी कि अखरोट से मिलने वाली बेनिफिट्स के बारे में। बहुत से शोधों से ऐसा पता चला है कि अखरोट से अल्जाइमर बीमारी का खतरा कम होता है। अखरोट को दिमाग के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अखरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मीट के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इसे रोज़ाना खाने की आदत डाल लें, और हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारे अखरोट होते हैं वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी नसें होती हैं यानी कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें जो सख्ती आ जाती है जो कि उम्र के साथ बढ़ने लगती है, उनको भी ये कम करने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सख्ती होती है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, वो क्या करती है कि वो हार्ट अटैक लाने में बहुत ज़्यादा मेजर काम करती है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि अखरोट से हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो ऐसे लोग जिनके हार्ट संबंधी बीमारी है उन्हें अखरोट जरूर खाना चाहिए। चिकित्सकों की सलाह है कि दिन भर में 2 अखरोट का सेवन करके हृदय संबंधी बीमारियों को टाला जा सकता है। हमने आपको बताया था कि होता है कभी कभी कि कितने अखरोट खाने चाहिए, तो 2 अखरोट खाने चाहिए। तमाम लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, उन्हें नींद नहीं आती। इसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। अखरोट नींद लाने में बहुत लाभकारी है, और इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो थकान को दूर करता है और मानसिक सुकून प्रदान करता है। इसके नियमित सेवन से अनिद्रा की समस्या समाप्त हो जाती है। तमाम लोग मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। कुछ लोगों में भ्रांतियां होती हैं कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने से मोटापा पड़ सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए अखरोट रामबाण है। यह एक ऐसा मेवा है जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और पेट संबंधी समस्याओं को दूर करता है। यह पाचन में मदद करता है और अधिक कैलोरी जलाता है, इसलिए मोटापे की समस्या से पीड़ित लोगों को दिन भर में कम से कम 3-4 अखरोट का सेवन तो करना चाहिए। यह एक ऐसी बीमारी है जो तमाम फलों एवं ड्राई फूड को खाने से रोकती है। मधुमेह के रोगियों को अखरोट प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं को फैला देती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम कर देती है। इससे मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। इन दिनों विभिन्न प्रकार के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अखरोट कैंसर को प्राकृतिक तरीके से ही कम कर सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर सेल को इकट्ठा होने से रोकते हैं। अखरोट मेल्स में प्रोस्टेटिक कैंसर और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा यह ट्यूमर को भी बनने से रोकता है। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन ये रहती है कि जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है क्या उनको अखरोट खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए तो अखरोट में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे डॉक्टर हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप अखरोट बिल्कुल भी मत खाइए। तो ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ में फैट ज़्यादा होगा तो वह हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, इसीलिए दोस्तों डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन एक स्टडी से ऐसा पता चला है, एक बार 87 लोग जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल था उन्हें बुलाया गया, जिनमें से आधे लोगों को ये कहा गया कि आप अपनी डाइट में अखरोट को शामिल कर लीजिए, मतलब कि आप रोज अखरोट खाइए, और उसमें से आधे लोगों को ये कहा गया कि नहीं, आप जो डाइट लेते हैं आप वही डाइट लीजिए, अखरोट को मत खाइए। उसके बाद ये चीज़ 6 महीने तक चलती रही। उन 87 लोगों में से आधे लोगों ने अखरोट खाना शुरू कर दिया और आधे लोगों ने अखरोट नहीं खाया, और फिर 6 महीने बाद इसी चीज़ को पलट दी गई, यानी कि अब जो लोग अखरोट
नहीं खा रहे थे उनसे कहा गया कि अब आप अखरोट खाना स्टार्ट कर दीजिए, और जो लोग अखरोट खा रहे थे उन्हें अखरोट खाने से मना कर दिया गया, यानी कि कहा गया कि अब आप मत खाइए। और ये चीज़ दोस्तों एक साल तक चली, और इन एक साल के बीच में 5 बार इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया गया, और रिजल्ट जो थे वो बहुत ही शॉकिंग थे, क्योंकि जिन लोगों ने अखरोट खाया था उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कर कर के कम हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और जिन लोगों ने अखरोट को नहीं खाया था उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल वैसे ही था। इसलिए दोस्तों स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका हाई है तो भी आपको अखरोट को खाना चाहिए, वो फ़ायदा करता है ना कि नुकसान। और दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो लोग अखरोट खाते हैं वो आम लोगों के मुकाबले 2 से 3 साल ज़्यादा जीते हैं। अब एक कन्फ्यूजन है कि अखरोट हमें कैसे खाने चाहिए, ऐसे ही खाने चाहिए या फिर उसे हमें पानी में भिगो करके खाने चाहिए। दोस्तों जो अखरोट होता है उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हमें अखरोट को हमेशा पानी में भिगो करके ही खाना चाहिए। अगर आप सुबह खाना चाहते हैं तो रात में ही आप अखरोट को भिगो दीजिए और सुबह उसे खाली पेट अच्छे से चबा चबा करके खा जाइए। और अगर आप सुबह नहीं खाना चाहते, शाम को खाना चाहते हैं, तो आप सुबह पानी में भिगो सकते हैं और शाम को उसे खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि अगर आप सर्दी में खा रहे हैं तो हाँ तो ठीक है, आप बिना ही उसे पानी में भिगोए ऐसे भी उसे खा सकते हैं।